देखो ये वोट देके भी आए हैं, किसको दिया वोट भाई राजा? नहीं बताएंगे कोई। अरे यही बिल्डिंग ऑफिस था ये, इधर इधर से वही गेट अभी बंद है नीचे और ऊपर। देखो खा के देखो कैसा लग रहा है। मोदी सरकार ने ये सब किया है, अच्छी बात है। अभी तो सरकार ही उन्हीं का है तो वही करेंगे ना। आज वोट दिया आपने मोदी को? दिया है, दिखाओ निशान दिखाओ। 4,000 में अपने को आ रहा है तो वो वहीं से 5,000 मतलब भाव बढ़ा दिया। अच्छा, जो अपने को पहले, हाँ जो पहले रेट में मिला तो खाली कूलर का ऐसा हुआ था या पंखा का भी ऐसा हुआ था? कूलर का ही असर हुआ था। नमस्कार, आज सोमवार है 20 मई। स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल प्रमोदम पर और आज के ब्लॉग में। आज का जो दिन शुरू हो रहा है मेरा, उसमें ध्यान साधना ये सब चीज़ें हो गई है। अभी 9:45 बज रहा है, मैंने अपना काम शुरू कर लिया है। आज सोमवार है तो थोड़ा सा वर्क का लोड ज़्यादा रहेगा और अब मुझे देखना है कि मेरे टीम के लोग कहाँ कौन क्या कर रहे हैं। सब ने प्लान भेज दिया ऑलरेडी, अब जस्ट मुझे देखना है। आज मुंबई में इलेक्शन है, अगर मार्केट में जाने लायक संभावना रही तो मैं भी फील्ड विजिट करूंगा मेरे किसी टीम मेंबर के साथ, नहीं तो फिर वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा क्योंकि वैसे भी करने के लिए बहुत सारा काम है। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं आगे आज के दिन में आज का प्रारब्ध कहाँ ले जाता है। तो अब मैं निकल रहा हूँ फील्ड विजिट के लिए। आज मुझे जाना है सांता क्रूज, वहाँ पे मेरे कलीग हैं जो स्टोर पे विजिट करने वाले हैं, मैं उनके साथ विजिट करूंगा। इस वक्त हूँ मैं पनवेल में, अब मैं यहाँ से पनवेल स्टेशन जाऊंगा, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के कुर्ला और फिर देखते हैं कि कुर्ला से बस से जाना है सांता क्रूज या फिर नहीं तो दादर जाके फिर वहाँ से ट्रेन से वेस्टर्न लाइन का ट्रेन पकड़ के आना है। तो देखते हैं आगे चल के डिसाइड करेंगे। मैंने बैग वगैरह ले लिया है क्योंकि लैपटॉप रखना ज़रूरी है, कब बस का फ़ोन आ जाए कि भैया ये भेज वो भेज दो, लैपटॉप रखना एकदम आवश्यक सा हो जाता है। बाय, ठीक ठीक है ठीक। स्टेशन फिर से और यहाँ पे हम टिकट लेते हैं, बैठेंगे। टिकट लिया है, दहीसर तक का टिकट दे दिया 40 रुपये का। ये मुझे चाहिए था भाया दादर, लेकिन भाया ठीक है जाऊँगा तो मैं कुर्ला से। 3:45 की है ये ट्रेन और ये ट्रेन आई है ये 3:49 की। इसमें बैठने का जगह दिख नहीं रहा है, हाँ है तो बैठ के जा सकते हैं, मतलब है ऐसा नहीं, मुझे लग रहा था शायद है नहीं जगह, है जगह, चलो बैठ जाते हैं। 4 मिनट और वेट करने से क्या मतलब, धूप आ रहा है ठीक है तो चलेगा। रख दिया ऊपर और हम बैठते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा धूप आ रहा है। जाते वक्त तो हम खाली ट्रेन में जा रहे हैं, खाली नहीं आगे जाके भरेगी, पनवेल में खाली है, बट आज जब मैं रिटर्न आऊँगा तो सुबह ट्रेन में बहुत भीड़ रहेगी क्योंकि मैं आऊँगा मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास। देखते हैं, बहुत दिनों से आदत नहीं है इतना भीड़ में चढ़ने का, पहले चढ़ता था बीच में कम हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा। स्टेशन से बाहर निकला हूँ मैं, यहाँ कुर्ला वेस्ट में बस डिपो है वहाँ जाता हूँ, वहाँ से फिर बस पकड़ते हैं सांता क्रूज रेलवे स्टेशन का। पहले मैं जाया करता था जब मेरा ऑफिस हुआ करता था सांता क्रूज कलीना में, लेकिन
बहुत दिन हो गए हैं, जाके देखते हैं इस पर अभी कैसा है। बस ये जो पीछे आपको वड़ा पाव का दुकान दिख रहा है, ये बहुत फेमस है और यहाँ का बहुत बड़ा वड़ा पाव होता है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, जाना है जल्दी से। जब मैं रिटर्न आऊँगा तो कोशिश करते हैं कि यहाँ का वीडियो हम बना लिए। आज इलेक्शन के वजह से बहुत खाली खाली दिख रहा है पूरा। अब मुझे जो बस पकड़ना है वो बस नंबर ही भूल, मेरे से ही कुछ नंबर था 310। ये जाएगा सांतर गुजस्थान गाँव, यही रहेगा, यही है शायद। पहले उतर गया मैं, दो दिनों के बाद आया ना, खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से दो मिनट रहेंगे चल के। तो आज अधिक है कि दुकानें ना बंद है बहुत सारी, इसलिए भीड़ कम है। अदरवाइज ये जो एरिया है ये भीड़ से कचाकच भरा रहता है। 5 मिनट पहले आ गया। वकोला पाइपलाइन बस स्टॉप है ये, इसलिए मुझे वकोला पुलिस स्टेशन उतरना चाहिए था। वहाँ मेरा कलीग इंतजार कर रहा है एक दुकान में बैठ के। जहाँ मुझे जाना है वो दुकान सामने में, इलेक्शन के वजह से देख रहे हैं अभी भी इलेक्शन चल रहा है सब जगह। जहाँ मुझे जाना है वो दुकान सामने में है, तो मैं बहुत पीछे नहीं उतरा, मैं ऑफिस से कंपेयर कर रहा था, ऑफिस मेरा थोड़ा सा आगे था पहले। और जो जाना है वो सामने जो ब्रिजस्टोन सेलेक्ट दिख रहा है हाईवे टायर करके, यहाँ जाना है। अभी रोड क्रॉस करके चलते हैं हम। तो अभी मैं आ गया हूँ ये हाईवे टायर पे। ये राजन है मेरे साथ, मेरे कलीग जो मैं बोल रहा था मिलेंगे। तो राजन क्या हो रहा है यहाँ पे? टायर का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्या काम करते हैं हम लोग? ऑडिट का काम करते हैं, देखते हैं मार्केट में किस चीज़ का कितना डिमांड है। अच्छा। उस पर सर्वे करते हैं और मार्केट का एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट में किस टायर का कितना डिमांड है। ओके, तो शॉर्ट में राजन ने आपको बताया, कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये टायर का दुकान है। इसी तरह से हम बहुत सारी तरह की दुकानों में जाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आईटी लैपटॉप वगैरह का दुकान हो गया। ये फिलहाल टायर है। तो टायर में अलग अलग तरह की टायर है, टू व्हीलर टायर है, फोर व्हीलर टायर है, फोर व्हीलर में भी पैसेंजर कार है, एसयूवी कार है, फिर ट्रक टायर है। तो कभी अगर मौका मिला या किसी को ज़रूरत लगा तो फिर मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। फिलहाल इस दुकान पे नहीं, जिनसे हमें मिलना है, जो हमें डेटा देंगे, यहाँ जो डेटा देंगे वो मॉनिटर करेंगे। तो फिलहाल हम चल रहे हैं एक दूसरे दुकान में, वहाँ विजिट करने के बाद फिर यहाँ पे वापस आएंगे। चलें, ठीक है। दे दिया तो देखो, ये वोट दे के भी आए हैं। किसको दिया वोट भाई राजा? नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन चलो वोट दे के आए। सब्जी खाया करता था यहाँ पे, इधर ही ये यहाँ पे। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ये जो बिल्डिंग है ना, यही ऑफिस था अपना, ये अरे यही बिल्डिंग ऑफिस था। ये इधर इधर से वही गेट है, वही गेट अभी बंद है, नीचे और ऊपर दोनों ही पूरा। उस साइड का था ना, इस साइड कुछ था ही नहीं ना, इस साइड उस तरफ कुछ है। अच्छा। ये तो अभी शायद बनाया है, पहले कहाँ था ये होटल? कहाँ था पहले? नहीं, होटल पहले नहीं था, शायद अभी होटल ही बना दिया क्या इसमें? ये होटल कर दिया वहाँ जो के पूरा होटल ही हो गया है। तो अभी ये होटल हो गया है, थिंग इज परमानेंट। ऐसे आगे चलते फिर।
तो ये जो है मैं वो मुझे लग रहा था कि कहीं मेट्रो का तो नहीं बन रहा है ये ब्रिज, लेकिन ये स्काई वॉक है मतलब। ओके, जबरदस्त डोसा बनाता है ये, हमेशा भीड़ रहता है, हमेशा नहीं रहता भीड़, अभी शाम के टाइम में, पहले उधर लगाता था सिर्फ, यहीं लगाता था, यहीं लगाता था। मसाला ही लेते हैं, बोलो कितने का है? 20 का है। मसाला डोसा देखो, खा के देखो कैसा लग रहा है। इस वक्त हूँ मैं ये स्काई वॉक पर, इसको यहाँ से बनाएगा, अभी चालू नहीं किया, अभी काम चल रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है रोड, ये पुल, ये क्या है, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, इस तरफ हो गया बांद्रा चर्च गेट, इस तरफ बांद्रा चर्च गेट, और इस तरफ अंधेरी और एयरपोर्ट वगैरह सब, और ये नीचे में ट्रैफिक है कितना ज़बरदस्त। आज तो कम है क्योंकि इलेक्शन है, तो बहुत सारी दुकानें मार्केट बंद वगैरह है, नहीं तो ये बहुत भीड़ वाला एरिया हुआ करता है। और सूर्य भी दिख रहा है, अभी सूर्य डूबने का टाइम तो नहीं हुआ है, नहीं अभी नहीं, इसके बाजू में मेट्रो, वो अलग ब्रिज मेट्रो। अच्छा, वो जो दूसरा वाला ब्रिज दिख रहा है वो मेट्रो का है। वो जो नीचे काम चल रहा है ये वाला आरे कॉलोनी से किधर है, इधर दिख रहा है क्या काम हो रहा है? तो ये अंडरग्राउंड मेट्रो जो बन रहा है आरे कॉलोनी से सिर्फ बांद्रा कुलाबा। ओके, सिर्फ बांद्रा और कुलाबा, ये वहाँ पे देख रहे हैं वो लिफ्ट है नीचे जाने वाला। तो अभी मुंबई लगभग हर जगह ऐसे खुद ही पड़ी है मेट्रो के वजह से, जब ये मेट्रो का काम हो जाएगा तो फिर जबरदस्त भीड़ बहुत है मुंबई में, तो उसको मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ जरूरी है। हाँ बोलोगे आप, बोलो क्या बोल रहे हो आप? कितने बनाए मोदी सरकार ने, ये सब किया है अच्छी बात, अभी तो सरकार ही उन्हीं का है तो वही करेंगे ना। आज वोट दिया आपने मोदी को? दिया है, दिखाओ निशान, दिखाओ निशान, अभी गया नहीं क्या देने के लिए, निशान नहीं लगाया? अच्छा अच्छी बात, नहीं सही में अच्छा काम कर रहा है। ये सांता क्रूज रेलवे स्टेशन है जो देख रहे हैं, जो नीचे दिख रहा है, फिर यहाँ से उस तरफ ये पूरा स्काई वॉक जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती है, और फिर इधर प्लेटफॉर्म हो गया। सामने वाला कंपनी वाले पैसा बड़ा कर रहा था, बोले बच्ची है तो मिलेगा। कब कब ऐसा हुआ था? इस मई महीना में, मतलब गर्मी बढ़ने की वजह से, तो अभी भी तो गर्मी है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ बारिश होने के बाद, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया था ना, वो ऐसा हो गया था कि वो 4,000 में अपने को आ रहा है, तो वो वहीं से 5,000 मतलब भाव बढ़ा दिया। अच्छा, जो पहले रेट, हाँ जो पहले रेट में मिला, तो खाली कूलर का ऐसा हुआ था या पंखा का भी ऐसे हुआ था? तो बहुत सारे डीलर नहीं मंगाए, बोले जाने अपने को घाटा क्या करता है, नुकसान करके। ये लाइट की दुकान है जहाँ अभी हम निकले हैं, यहाँ से हमें खबर मिला मार्केट में कि अप्रैल महीना में गर्मी इतना बढ़ गया था कि कूलर जो है मार्केट में वो शॉर्टेज हो गया था, माल था ही नहीं। सोचिए, पंखा का भी सेल पड़ा था बट कूलर जो है वो एकदम शॉर्ट था, और जो मिल भी रहा था वो आप यूँ कहे कि पर पीस 1,000-2,000 रुपये बढ़ा के बेचा जा रहा था। तो ऐसी गर्मी हुई थी मुंबई में इस साल, अभी भी हो रही है बट
थोड़ा सा तूफान बारिश हुआ है, दो दिन तो थोड़ा कम हो गया है। अभी हम लोग दूसरे दुकान पे आए थे टायर का, लेकिन ये दुकान भी शायद इलेक्शन की वजह से बंद है, तो फिर आज यहाँ भी हमारा काम नहीं हो पाया। लगभग देखते हैं वापस रिटर्न जाएंगे जो पहले टायर के दुकान पे गए थे, या नहीं तो प्लान ऐसा होगा कि आज का दिन अब क्लोज कर देंगे। ले लो ठीक है। लीची मिलना यहाँ पे 400 रुपए किलो, बोले कि कलकत्ता से आया है। मुझे लगा कि शायद मुजफ्फरपुर हाजीपुर से आया रहेगा, लेकिन नहीं, ये अलग लीची है, कलकत्ता से आया हुआ 400 रुपए किलो। तो अभी देखने लायक स्थिति नहीं होता। अभी राजन लेके आए हैं मुझे एक वड़ा पाव है यहाँ पे, क्या नाम है, मात्र छाया, ये बहुत फेमस वड़ा पाव है, आप भीड़ देख के भी अनुमान लगा सकते हैं। ये हमारे हाथ में जो वड़ा पाव दिख रहा है इनके हाथ, तो देखते हैं टेस्ट करके कितने रुपए का है। 18 रुपए का एक समोसा पाव है, हमने समोसा पाव लिया है। पहले मैंने आपको कुर्ला जब उतरा था तो बताया था कि कुर्ला में एक दीपक प्रसाद करके है, लेकिन यहाँ पे भी एक फेमस वड़ा पाव है, लेकिन हमने समोसा पाव लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब समय लेट हो रहा है, ट्रेन में भीड़ होगी, पॉसिबल होगा तो वीडियो बनेगा, नहीं तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आप जो भी फीडबैक या कमेंट में बताना चाहते हैं ज़रूर बताइए, अच्छा बुरा। धन्यवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग।